हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शिमला व्लॉगर दीपशिखा। कैसे हैं आप? तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको भारत की कुछ बहुत खूबसूरत जगहों के बारे में बताना चाह रही हूँ। होप आप इस व्लॉग को देखेंगे और आपको यह व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। भारत विविधता में एकता हम कहते हैं और ये हम जानते भी हैं। भारत ना केवल मध्य से सुंदर है, ना केवल उत्तर से सुंदर है, दक्षिण से सुंदर है, पूर्व से सुंदर है। भारत पूर्व, अगर मैं यूं कहूं कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहुत खूबसूरत है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। भारत में बहुत खूबसूरती भरी है। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आकर इन जगहों की खूबसूरती का नज़ारा लेते हैं। तो मैं भी आपको कुछ जगहें बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये है क्या। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है लोकटक झील और यह भारत के पूर्वोत्तर भाग में मणिपुर राज्य की एक बेहद खूबसूरत झील है। यह अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे कुंदी कहते हैं। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ संगण हिरण पाए जाते हैं जो सिर्फ इसी जगह पर मौजूद हैं और एक विलुप्त प्राय प्राणी हैं। इसी झील में फुम्दी का सबसे बड़ा घेरा 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। इस घेरे के रूप में निर्मित इस भूभाग को भारत सरकार ने केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया हुआ है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो वास्तव में एक अद्भुत नमूना आपके सामने पेश करता है। फुम्दी वनस्पति मिट्टी और अन्य कार्बनिक पदार्थों का एक द्रव्यमान है जो समय के साथ जम जाते हैं, जो झील में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले भूस्वामी से मिलते जुलते हैं। इसे फ्लूमिडिस के कारण दुनिया का एकमात्र तैरती हुई झील भी इसे कहते हैं। तो कैसी लगी आपको यह घूमती हुई झील? अगली बार आप पूर्वोत्तर राज्य या मणिपुर जाएं तो यहाँ जरूर जाके आइएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। भारत में एक पहाड़ ऐसा भी है जहाँ चीजें नीचे लगने बजाय ऊपर की ओर जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लद्दाख की। लद्दाख में एक ऐसी ही पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। लेह कारगिल राजमार्ग पर लेह से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सड़क का एक छोटा सा पैच जो गुरुत्वाकर्षण की घटना को परिभाषित करता है। इसका कारण लद्दाख में स्थित चुंबकीय पहाड़ है जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह हिल स्थिर वाहनों को ऊपर की ओर खींचता है। लद्दाख में ही नहीं पूरी दुनिया में यह मैग्नेटिक हिल के नाम से मशहूर है और प्रमुख पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है। इंजन साथ छोड़ दे तो एक कार इस पहाड़ी पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लुढ़क सकती है। इस असाधारण घटना के कारण ही इसे मिस्ट्री हिल या ग्रेविटी हिल या फिर मैग्नेटिक हिल कई नाम दिए गए हैं। यह समुद्र तट से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसके पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है। थी ना बहुत ही रोचक जानकारी आप सभी के लिए? तो आप यहाँ ही जरूर जाने का प्लान कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है, जो दक्षिण में स्थित राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप अंडमान सागर में सक्रिय भूकंपीय टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है।
इसे केवल दूर से ही देख सकते हैं। यहाँ पर जहाज से किसी को भी उतरने की अनुमति नहीं है। बैरवन द्वीप एक खस्ता चट्टानी द्वीप है जिसका व्यास लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। यह ज्वालामुखी फटता रहता है और इसके क्रेटर से अक्सर धुआं और लावा निकलता रहता है, जिससे रात के समय बहुत प्रकाश फैलता है। बहुत सुंदर यह दिखाई देता है। यह ज्वालामुखी बैरन द्वीप से लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब आपका जहाज इसके ऊपर से उड़ता है तो वाकई यह रोमांचित कर देने वाला अनुभव आपके लिए होता है। जानकारी अच्छी लगी तो साझा जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर, ओडिशा, जिसे प्यार से भारत की आत्मा भी कहा जाता है। अपनी संस्कृति और धरोहर के लिए जाना जाता है, जो इसे भारत के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में से एक बनाते हैं। सांस्कृतिक रूप से भरे पूरे इस राज्य में भारत के कुछ बहुत सुंदर बीच भी शामिल हैं। मैं आपको आज ले चलती हूँ यहाँ के चांदीपुर बीच की सैर पर, जो ओडिशा में अपनी तरह का एक अलग और इकलौता बीच है। चांदीपुर बीच को इसके अपने एक अलग ही प्राकृतिक खूबी की वजह से हाइड एंड सीक बीच भी कहते हैं। भुवनेश्वर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह कम जाने जाने वाला बीच बालासोर गांव के पास एक रहस्यमय बीच है, जिसके बारे में जानकर आपकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। कभी कभी यहां घटने वाली प्राकृतिक घटनाएं इस बीच को और भी दिलचस्प बनाती हैं। अगर आप एक दिन वहां किसी जगह पर बीच देखेंगे तो अगले दिन वह आपको दिखाई ही नहीं देगा। अगले दिन वह वहां से गायब हो जाएगा और जो जगह है रेत के टीलों से भरी हुई आपको मिलेगी। यहाँ पर पानी घटने का क्रम दिन में 2 बार होता है। अगर आप इस बीच पर बहुत देर के लिए रुकेंगे ना, तो आपको बीच के गायब होने और थोड़ी देर बाद फिर से पानी को वहाँ पर वापस आता देख सकेंगे। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हालांकि वह जानते हैं कि कब समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है और कब ऐसा होता है। इस बीच पर जाने का एक अन्य कारण यह भी है कि जब यहाँ पर समुद्र का प्रवाह कम हो जाता है तो यहाँ किनारे इसके किनारे मिलने वाले समुद्री मोती, समुद्री सीपी, केकड़े और छोटी मछलियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर फैले हुए कैसुअरिन के पेड़ और रेत के टीले भी आपको इस बीच के दर्शन करने के लिए बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेंशन करिएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के और व्लॉग में। अगर आप इसी तरह की और रोचक जानकारियाँ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं दीपशिखा, शिमला व्लॉगर दीपशिखा, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।